हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि थ्री स्टॉक्स, ऐसे तीन शेयर जो मैं खुद बाय करने वाला हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवाऊंगा। और अगस्त सीरीज के लिए ये पर्टिकुलर ये तीन स्टॉक्स आपके लिए भी मैं लेकर आया हूँ गाइस। ये तीन स्टॉक्स हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो बैड न्यूज़ थी वो अब हल्के 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 कवर अप हो रही हैं, और शायद अभी ये स्टॉक जो लोअर लेवल से है अब ये रिकवर कर रहे हैं। ये जो तीनों स्टॉक्स हैं ये लोअर लेवल से अब रिकवर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगस्त सीरीज़ में अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं। ये तीन सीरीज़ की हम बात करने वाले हैं। ये तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमें अगस्त सीरीज़ के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा के देंगे गाइस। लोअर लेवल्स में लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से अब हम एक बाइंग अगर इनिशिएट करते हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, तो हम एक अच्छा खासा रिटर्न इनिशिएट कर सकते हैं। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर तीन स्टॉक 10-10% तक के रिटर्न इस महीने के अंदर हमें दिखा देंगे, यानी कि अगस्त सीरीज़ के अंदर हमें दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस की तरफ। मैं आपको बता दूंगा क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं। उसके बाद हम चार्ट्स में जाके उन तीनों स्टॉक्स की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से लगता है कि ये अगस्त एक्सपायरी में हमें अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हैं कि आपको करंट लेवल दिख रहा होगा, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन हम देख रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 112 रुपये का। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 120 रुपये और 135 रुपये तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 105 रुपये का मेंटेन करना है, यानी कि अगर ये हमारे टारगेट्स मीट हो जाते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो जाती है, सो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें 20% तक का रिटर्न हम बैंक ऑफ बड़ौदा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली के अंदर। M&M दूसरा स्टॉक है, आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 565 है, 600-640 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके। मैं कह रहा हूँ कि ये टारगेट थोड़े हम हायर लेवल्स की तरफ देख रहे हैं M&M के अंदर। हो सकता है कि ये पहला टारगेट जो है 600-610 तक इस महीने के अंदर रिकवर कर जाए, और उसके बाद जो अगला टारगेट है वो शायद अगले महीने के 15 दिन के अंदर अंदर रिकवर कर जाए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है गाइस 535 या 530 का, आप कुल 30 से 40 पॉइंट तक का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट वो 70 से 80 पॉइंट, यानी कि 1:2 का रेशियो चल रहा है। M&M में भी हम 12% तक का रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है अमर राजा बैटरीज। कई अमर राजा बैटरीज भी बाय करने की सलाह दी जाएगी, 650 का करंट मार्केट प्राइस है, 680 पहला टारगेट, 720 दूसरा टारगेट। 680 अगर ये क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस कर जाता है गाइस, तो 720 तो मुझे लगता है कि एक छोटा मोटा टारगेट है, ये 800 रुपये तक के लेवल्स तक भी बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस 620 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा, 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 10% तक के रिटर्न में इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ गाइस। जब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ, चार्ट्स में जाके इन तीनों की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया है कि वो चार्ट्स में स्टॉप लॉस वहीं पर है या नहीं है। तो गाइस बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे M&M के बारे में। M&M का मैंने गाइस डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, इसमें मैंने अभी कोई भी ट्रेंड लाइन सब कुछ ड्रॉ नहीं करा, सिर्फ गाइस मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि मैं एक जूम आउट करूंगा और आपको ये दो ट्रेंड लाइन पता चल जाएगी मैंने किस लिए बनाई हुई है। ये आपको ये जो दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो गैप दिख रहा है ये एक रेंज है, यानी कि मैं जूम आउट करता हूँ गाइस, आप फिर ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया, रिवर्सल करा, या इस ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार सपोर्ट ले चुका है, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवेंथ टाइम। आप देख सकते हैं कि ये जो दो ट्रेंड लाइन है ये एक रेंज है, ये एक चैनल है। इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि M&M बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, मतलब हम कह सकते हैं कि 650 के आसपास ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले चुका है, 3-4 साल से ये सपोर्ट ले रहा है 650 के लेवल पे, और हम देख रहे हैं एग्जैक्ट 650 के लेवल पे यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बाउंस करा है, और अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हायर लेवल्स मीट हो सकते हैं गाइस। देखिए सबसे पहला पॉइंट M&M में मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जहाँ पर मैंने ये जहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बाउंस करा है वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट था और वहाँ से इसने बाउंस कराया, तो लगता है एक बाय इनिशिएट हम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बात,
हो सकता है कि यहाँ से गिर भी सकता है, पर हम दूसरे एक तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो मेरे हाइज हैं उन हाइज की तरफ मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने हाइज पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो लोज है मैं उन लोज पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। जी गाइस देख सकते हैं कि ये एक चैनल पे ट्रेड कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। हमने देखा चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला, और ब्रेकडाउन देखने के बाद हमने यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। गाइस सबसे पहली बात, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कभी भी कोई चैनल का ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, सो अगर वहाँ से वो स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, आप देखिए मैं आपको इस एग्जाम्पल में समझाता हूँ। आप देख सकते हैं चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया अब ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि ये चैनल को यहाँ पर टेस्ट करे और दोबारा नीचे आ जाए। ये हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें एक सेलिंग इनिशिएट करने का मौका नहीं मिला, पर यहाँ पर हमें एक बार ये M&M में सेलिंग इनिशिएट करने का मौका मिल रहा है। पर गाइस मैं तो आपको ये बाय की सलाह दे रहा हूँ, और मैं खुद भी बाय करने की सोच रहा हूँ। सो गाइस मैं क्यों बाय करने की आपको सलाह दे रहा हूँ, क्यों मैं बाय करने की सोच रहा हूँ, उसका रीज़न ये है गाइस कि मैं आपको दूसरी बात ये भी बताता हूँ कि जब कोई चैनल का ब्रेकडाउन होता है, तो जब वहाँ से वो स्टॉक नीचे गिरता है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जब वो नीचे गिर रहा है तो वहाँ पर उसका कहीं लॉन्ग टर्म सपोर्ट तो नहीं है। अगर वहाँ पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट है तो हो सकता है कि वो वहाँ से बाउंस करके हमें फॉल सिग्नल दे और वहाँ से वो दोबारा चैनल के अंदर चले जाए। हाँ गाइस लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहाँ से स्टॉक ने बाउंस कर दिया है, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। दूसरी बात, ये एक पैटर्न डेवलप हुआ है गाइस, मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक यहाँ से तोड़ गया। अब मैं आपको एक और लाइन बनाते हुए दिखा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा पैटर्न है, वरना आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, मैं जब आपको पैटर्न का नाम बताऊंगा। गाइस स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा और स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को भी ऊपर की तरफ तोड़ दिया। इसे हम कहते हैं बुलिश वुल्फ वेव पैटर्न। गाइस नोट कर लीजिए, ये पैटर्न्स आपके बहुत काम आएंगे, बुलिश वुल्फ वेव पैटर्न। यानी कि चौथी बार जब कोई पर्टिकुलर हम देखते हैं, फोर्थ टाइम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में इस पर्टिकुलर स्टॉक को तोड़ा, चैनल को तोड़ा और वहां से ये चैनल के ऊपर चले जाएगा और चैनल का ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि बियरिश वुल्फ वेव क्या होता। बियरिश वुल्फ वेव होता कि अगर हम स्टार्ट करते यहाँ से, एक बनता, दो बनता, तीसरा बनता, चौथा बनता, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता, हम देखते कि ब्रेकआउट आ गया, बुलिश ब्रेकआउट आ गया, वहां से फॉल सिग्नल देके नीचे आ जाता, और ये कहता बियरिश, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से अप मूव आएगी नहीं और यहाँ से एक बियरिश फेज आएगा। कई सबसे पहली बात आप नोट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 150, 550 के आसपास। हमने देखा एक बुलिश वुल्फ वेव पैटर्न बना है, जहाँ की हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का ब्रेकआउट आ सकता है। और कई दूसरी बात आप देख सकते हैं, आपको दो पैटर्न मैंने आराम से समझा दिए, अब हम बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ। देखिए दो चीज हमें सजेस्ट कर रही है कि एक परफेक्ट बुलिश ट्रेड बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और यहाँ से हम हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद इस महीने के अंदर हम ज़्यादा हायर लेवल एक्सपेक्ट ना करें, पर हम अगर इसे होल्ड करते हैं सो हम अच्छे खासे हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब गाइज मैं आपको NMM दे रहा हूँ, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे गाइज ये तो ऑटो सेक्टर का है और ऑटो सेक्टर वीक है। जी गाइज आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के रिजल्ट आए, वहाँ से उस पर्टिकुलर स्टॉक ने रिजल्ट वाले दिन अप मूव दे दी, क्योंकि बहुत गिर गया था, बहुत पिट चुका है वो स्टॉक। मारुति के रिजल्ट आए, वहाँ से वो बहुत पिट चुका है, वहाँ से उसने अच्छा खासा अप मूव दे दिया। हीरो मोटर को आपने दे दिया, बजाज ऑटो दे दिया है गाइस। सो आप देख सकते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत पिट चुका है, वो हम देख चुके हैं बहुत ज़्यादा गिर चुका है, उसमें बुरी खबर आने के लिए कुछ नहीं बचा। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद इसमें कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आए, और ये जो बेस बना रहा है हल्के हल्के, अब जो इसने इतनी गिरावट दिखाई है वहाँ पर, ये बेस बना के अब हम एक उछाल देखें ऑटो सेक्टर के अंदर। मैं आपको ये नहीं कह रहा सारे ऑटो सेक्टर्स में उछाल आएगी, सारे ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक्स के अंदर उछाल आएगी। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, मैं आपको नाम दे देता हूँ, आयशर मोटर ले लीजिए, जैसे आप TVS मोटर ले सकते हैं, हीरो मोटर कॉर्प ले सकते हैं, M&M ले सकते हैं। ये ऐसे कुछ चार पाँच स्टॉक्स हैं मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसपे आप बुलिश हो सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप रिटर्न कमा सकते हैं।
दो पैटर्न मैंने आपको बता दिए, दो चीजें आपको बता दी, एक वुल्फ वेव पैटर्न, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब गाइस दूसरी चीज और इसमें बन रही है जो हमें बता रही है कि इसका जो सबसे पहला टारगेट था जो मैंने आपको बताया 600 रुपए का, वो कैसे आया। गाइस आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और हम देख रहे हैं यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया। ठीक है गाइस, अब मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ और उस पर हम देखेंगे किस तरीके से काम होगा। मैंने देखिए गाइस यहाँ पर फिबोनाची बॉटम है, ये बॉटम से लेके मैंने टॉप तक का एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। जी गाइस फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको ध्यान देना है 161% रिट्रेसमेंट लेवल पे, ये रहा गाइस आप देख सकते हैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट 161.8% के रिट्रेसमेंट लेवल पे जाके इसने अपना सपोर्ट ढूंढा और वहां से इसने एक एग्जैक्ट बाउंस दे दिया। बाउंस देने के बाद अब आप देख सकते हैं 138.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि है 562 पे। 562 के ऊपर ये क्लोज हो जाता है तो 580 का पहला टारगेट है, सॉरी 600 का पहला टारगेट है। 600 का पहला टारगेट क्यों है, क्योंकि यहाँ से पर्टिकुलर 100% का रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक की शुरुआत हुई थी, इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट टारगेट जो इसका है वो है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 640 का है। आप मेरी वीडियो को रिवाइंड करिए, आप देखेगा मैंने आपको M&M में क्या टारगेट्स दिए थे, आपको पता चल जाएगा। गाइज आप समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप देखिए गाइज ये जो है मैं यहाँ से इसको एक जॉइंट करता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर को इधर जॉइंट करता हूँ, तो ये एक जो पैटर्न बनाया है इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न। ये एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न होती है, और बुलिश बटरफ्लाई का पैटर्न का पहला टारगेट होता है 161 से रिवर्स जब करता है तो 100%, उसके बाद 50% का लेवल। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो हमें बाय करने के लिए दे रही है, और ये मैंने अपने क्लाइंट्स को आज भी पोजिशन होल्ड करने की सलाह दी थी आज, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपने व्यूअर्स को, जो मेरे टेलीग्राम चैनल के लोग हैं, मैंने उन लोगों को भी इस पे इंट्राडे पे बाय पोजीशन दी थी गाइज, और उन लोगों ने पैसा कमाया था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको इंट्राडे पे लाइव मार्केट पे ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा गाइज ये मेरा दूसरा स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि इतने टाइम से जुलाई की सीरीज में हम देख रहे थे कि स्टॉक्स में, जो बैंकिंग स्टॉक्स में, उसमें इतनी गिरावट आई थी, पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक ज़्यादातर बहुत गिर रहे थे। पर गाइस अब मुझे लगता है कि वहाँ से वो हल्की फुल्की रिकवरी दिखा सकते हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ सारे बैंकिंग स्टॉक्स नहीं, कुछ पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, हम बात कर रहे हैं ICICI बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं इसलिए, बैंकिंग सेक्टर को मैं इसलिए बाय की सलाह दे रहा हूँ इस अगस्त सीरीज में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले हफ्ते ही अगस्त सीरीज में फेड की मीटिंग है, RBI क्रेडिट पॉलिसी है, और गाइस वहाँ पर 25 से 40 बेसिस पॉइंट रेट कट करने की बात कर रही है। और गाइस आप देख सकते हैं प्रीवियस जाके जब भी ऐसे ऐसे रेट कट्स हुए हैं, हमने देखा है कि उससे पहले बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी खासी रैली आई है और बैंकिंग सेक्टर ने आउट परफॉर्म करा है। अब गाइस हम बात करते हैं इसके चार्ट्स की तरफ, अब बढ़ते हैं ट्रेंड लाइंस एनालिसिस पे और देखते हैं कि इस पे मैंने आपको बाय की सलाह क्यों दी है। गाइस देख सकते हैं बॉटम से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी शुरू करी और मैंने सारे जो लोज हैं उन लोज को मैंने मिलाया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो मेरे टॉप्स हैं मैंने उन टॉप को मिलाता हूँ, और टॉप को मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी। अब आप देख सकते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है, स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा, नीचे आ गया, दोबारा ऊपर गया, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को नीचे टेस्ट करा, दोबारा नीचे आ गया, यहाँ सपोर्ट ले लिया, ऊपर जाके फिर इसने टेस्ट करा, फिर नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट लेके हम देख सकते हैं कि आज इसने फिर रिवर्सल दे दिया है गाइस। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल दे दिया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब आप देखिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड मैं ऐसे जूम कर देता हूँ। जी गाइस सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया, RBI क्रेडिट पॉलिसी, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके रिजल्ट्स आए हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर वन के रिजल्ट जो आए हैं, इसमें इसने हम कह सकते हैं कि 710 करोड़ का प्रॉफिट इस में शो करा है,
गाइज अगर हम पिछले साल के इस क्वार्टर की बात करें तो तब उसने 50 करोड़ का लॉस दिखाया था, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो 710 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो सबसे पहली बात की पॉजिटिव हम कह सकते हैं, लाइटली पॉजिटिव तो हम कह सकते हैं, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। दूसरी बात मैंने आपको बताई आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी बैंकिंग स्टॉक्स में, उससे पहले हम एक रैली देखते हैं तो दूसरी पॉजिटिविटी आ गई बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करने के लिए गाइस। तीसरी बात जब ये रिजल्ट्स आए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोकिंग हाउस है, जो ब्रोकिंग फर्म्स है, अगर हम बात करें जेफरीज, सीएलएसए, क्रेडिट स्वीस, इन पर्टिकुलर जो ब्रोकिंग हाउस है, इन लोगों ने अपग्रेड की और बाय की सलाह दी है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। टारगेट जो एस्टिमेट करे उन लोगों ने 130 से 135 के अंदर अंदर एस्टिमेट करे हुए हैं। गाइस अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से रिवर्स दे रहा है। अब आप देखिए गाइस मैं आपको इसमें एक एनालिसिस दिखाता हूँ। स्टॉक यहाँ पर था 100 रुपये में, आप देख सकते हैं ये मिड है, हम कह सकते हैं कि ये इसका फेब्रुवरी का मिड है। आप देख सकते हैं यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अप मूव दी और एग्जैक्ट एक महीने के अंदर ये 100 रुपये से 140 चला गया, 40 रुपये की मूवमेंट दे दी हमने देखा। उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसने वो सारी मूवमेंट को निगलेक्ट कर दिया और नीचे आ गया 15 दिन के अंदर। उसके बाद हमने क्या देखा, एग्जैक्ट 15 दिन के अंदर अंदर उसने फिर एक अप मूव दी और वो उसने नया हाइज बना लिए और वो 440 को भी तोड़, 140 को भी तोड़ गया। गाइस अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की रिकवरी आती है सपोर्ट ट्रेंड लाइन से, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, एक महीने के अंदर अंदर सारी रिकवरी को हम देखते हैं कि होल्ड कर लेता और ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। सो मेरे लिए एक बाय टारगेट है, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे लिए एक बाय बन सकता है। अगर आप आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, सॉरी गाइस, जी गाइस, आरएसआई को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, आरएसआई ने यहाँ पर सपोर्ट लेके, स्ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि जो इसके 38 लेवल है ये आरएसआई का जो शो कर रहा है, मुझे लगता है कि 58, 60, 65 तक के आरएसआई तक को टेस्ट कर सकता है। और अगर वहाँ तक टेस्ट करेगा तो मुझे लगता है कि ये 130, 135 तक के लेवल से, 140 तक के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं इस पर। गाइस मैंने आपको सबसे पहला टारगेट क्या दिया है, 120 का। क्यों दिया है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा मोटा हर्डल है, आप देख सकते हैं कि 20 दिन का और सॉरी गाइस 20 दिन का और 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वहाँ पर एक सपोर्ट है 200 दिन का। तो मुझे लगता है 120 एक इसका हर्डल बन सकता है, 120 का पहला टारगेट है। और अगर 120 को तोड़ देता है तो हम हायर हाई देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अमराजा बैटरीज, इसको बाय करने की सलाह मैंने क्यों दे रखी है, इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले मैंने एक लाइन ही ड्रॉ करी हुई है यहाँ पर, आप इस लाइन को अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट ले चुका है, कितनी बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है और यहाँ कितने टाइम तक ये कंसोलिडेट कर चुका है आप देख सकते हैं गाइस। अब मैं इस लाइन का महत्वपूर्ण आपको बाद में पता चल जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चल जाएगी। अब मैं आपको इस पर बाय की सलाह क्यों दे रहा हूँ गाइस, सबसे पहले अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको पता चलेगा। जी गाइस ये मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अब मैं एक पैटर्न डेवलप करने वाला हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो पैटर्न कौन सा है। स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई, हमने देखा 650 से 600 के लेवल पे आया, पर्टिकुलर स्टॉक ने बाउंस कर दिया। बाउंस करने के बाद हमने देखा ये दोबारा स्टॉक नीचे आया और नीचे जाने के बाद ये दोबारा ऊपर आया और अपने इस लाइन को टेस्ट करा। लाइन को टेस्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि गाइस ये दोबारा नीचे आया, कहाँ से आया, इस लाइन का क्या नाम था, 650, कहाँ तक आया, 600 के लेवल पे, और वहां से इसने दोबारा बाउंस कर दिया। देख रहे हैं गाइस ये क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये बोलते हैं इसे बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। गाइस ये एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक की मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आ सकता है गाइस। यहाँ से ये जैसी ब्रेकआउट देगा 650 655 के लेवल को, जैसी ये क्लोजिंग बेसिस में तोड़ेगा, मुझे लगता है कि ये शायद मंडे या ट्यूसडे को तोड़ देगा, जब हम देखेंगे कि हम अगस्त की सीरीज में एंटर करेंगे। जैसे ही 600-650 के लेवल को तोड़ता है, हमारा पहला टारगेट होगा 680 का लेवल, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि
कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जिसको इसने तोड़ा था, और तोड़ने के बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद हम पहला टारगेट जो एस्टिमेट कर सकते हैं 680 का कर सकते हैं। और जैसे ही गाइस ये 680 के लेवल को तोड़ता है और वहां पर 2 या 3 दिन भी होल्ड कर लेता है उसके ऊपर, या 3 या 4 दिन होल्ड कर लेता है 680 के ऊपर, तो गाइस इसका नेक्स्ट टारगेट 600 700 750 भी बन सकता है आराम से। ये अपने पुराने प्रीवियस की तरफ जा सकता है, स्विंग हाई की तरफ जा सकता है। गाइस मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर ये 680 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो आपको ये 700 से 750 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करा सकता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आ सकता है 650 55 के ऊपर, बाय करिए। 680 का पहला टारगेट है गाइस, 30 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 30 पॉइंट बहुत होते हैं 650 स्टॉक प्राइस के में। सो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप इसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर्स पे इन तीनों में ट्रेडिंग करके चलेंगे आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। सो गाइस ये मेरे 3 पर्टिकुलर स्टॉक्स थे, अगर आपको ये मेरे पर्टिकुलर 3 स्टॉक्स पसंद आया तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं।